हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह की गुड मॉर्निंग 5:15 बजा और मैं यहाँ पे इतना उजाला हो गया। मैं आगे रूम में सोई थी, आगे ही रूम में मैं लोग सोती हूँ क्योंकि पीछे कमरा जो है उसमें दिक्कत थोड़ी सी अभी चल रही है सब कारण। तो मैंने आज सोचा आज सुबह उठूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये है क्या मच्छरदानी जो लगाई जाती है, और ये जानते हैं इसके लगाने के बावजूद भी मैं मुझे खा जाते हैं सारे मच्छर। बस मैं कभी कभी डरती हूँ डेंगू ना हो जाए, इतना काटते हैं सब। तो यहाँ पे सभी लोग एक साथ में, हम मम्मी। तो गाइस सुबह आप लोग को मॉर्निंग करा दी थी, तो गाइस मॉर्निंग तो मैंने करा ही दी थी, बट इससे मैं अब नहा वहा कि मैं किचन में आ गई हूँ पूरी तरीके से ठीक ठाक होके। और अभी जस्ट मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ क्या किचन में मैं सुबह का जब मैं उठी थी, जब ब्रश वगैरह करके पहले चाय वाय बनाई थी, क्योंकि बाथरूम है दो, बट कारण क्या है कि इस समय जो छोटा वाला बाथरूम अंदर होता है वो प्लास्टर हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे बालू वालू की करते, बाप रे कैसे कोई नहाएगा उसमें। तो इसलिए नहीं नहा पाती उसमें, ये पहले इसी नहा लेती। और जो दूसरा बाहर वाला जो आप लोग देखे थे बाथरूम है, बाहर क्या गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के बगल में जो रूम है उसके बाद जो था मैंने आप लोग को दिखाया था, तो उस रूम में जो है अब सुबह उठने के बाद वहाँ पे लैट्रिन बना हुआ, क्योंकि यहाँ खाली नहाने वाला काम हो बाथरूम वाला होता है, लैट्रिन वाला नहीं, तो वहाँ पे जो है लैट्रिन वाला है। और वहाँ पे सुबह उठने पे सभी लोग अपना बाहर सिस्टम है सबका, सब जाते ही हैं। तो थोड़ा सा मुझे नहाने में इसीलिए लेट हो गया, तो मैं नहा वहा के अभी जस्ट आई हूँ सब काम करके। अब मैं किचन में स्टार्ट हो गई हूँ काम के लिए। तो फिर चलिए आप लोग को दिखाती हूँ आज अपना किचन अच्छे से दिखा दूँ क्या क्या है मेरे किचन में। ये देख रहे हैं ना, ये वो जो छोटी सी मच्छी, इससे बैठते हैं हम लोग कितने अच्छे से वहाँ बैठ के खाना। नीचे ज़मीन पे तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि कारण है पानी पानी होता है वहाँ पे, वो उसके किनारे गेट के पीछे पे नाली बना हुआ है छोटा सा, तो जब बर्तन ये सब देखिए धुला के रखा ना, तो बर्तन जब धुलाता है तो पानी वहाँ पे जाता है, या सब्जी वगैरह धुलते हैं तो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने अभी स्लैब जो है मेरा इसमें मैंने सिंक नहीं लगाया, क्योंकि जब हम लोग रहते नहीं हैं कोई यूज नहीं होता है कुछ नहीं, कभी भी साल दो साल डेढ़ साल में एक बार आना तो समझ में नहीं आता, तो ऐसे ही सिंक नहीं लग पाता है क्योंकि रहना नहीं होता। और ये जो घर का प्लास्टर का काम है भी इसी कारण रुका था कि हम लोग रहते नहीं थे कभी, बस आए दो चार दिन की उसी में हो जाता था, कोई काम प्रोजेक्ट पड़ा चले गए इसी तरीके से। ये देखिए किचन का लोग पूरा स्लैब टूट गया। तो गाइस मैंने यहाँ पे अब चलिए मैंने सब्जी की, मम्मी ने जब तक मैं नहा वहा के आई तो मम्मी सब्जी काट दी थी लौकी की, और यहाँ पे आलू भी काट दी थी, तो यहाँ मैं लौकी आलू की सादी सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से। और ये देखिए माचिस, यहाँ पे मैं लाइटर नहीं लाई और रखी भी जो थी वो ख़राब हो चुका था, तो यहाँ पे माचिस की तीलियाँ इस तरीके से टूट के बिखर जा रही हैं, सारे भीग जा रहे हैं बार बार। यहाँ दूध है, सुबह सुबह ही दूध आ जाता है, यहाँ पे 6 बजे तक दूध लेके आ जाते हैं देने वाले। तो ये मेरा किचन जो आप लोग को प्यारा सा किचन दिखा रही हूँ, क्योंकि प्यारा तो नहीं है, आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी यहाँ पे ना रहने के कारण सारा देखिए लौकी से थी, यहाँ पर मैं लौकी टमाटर की सब्जी बनी है, इसमें हल्दी में नहीं डालती थी, ये नॉर्मल सादी सी सब्जी बनती है जो बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चे नहीं वो सब्जी खाएंगे, पापा मैं भी नहीं खाऊंगी, तो मैं क्या बनाऊंगी, मैं तो बच्चे और नहीं खा पाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे आलू की आपके साथ मैंने शेयर कर दी आज अपने गांव की लाइफ। तो गाइस यहां देखिए मैं चली हूँ दाल फ्राई करने, ये अदरक है, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है, ये टमाटर है, ये प्याज है, और मेरी यहाँ जो जो सब्जी हो रही थी हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। धुलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखे दाल और फ्राई होके मेरा रखा गया है, अब मैं बनाऊंगी रोटी, अभी चावल नहीं बनाऊंगी, चावल थोड़ा लेट बनाती हूँ क्योंकि गरम गरम खाने में ही ठीक लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं चावल थोड़ा लेट। और यहाँ का चावल जो है ना थोड़ा सा, जब हवा हवा उठता है मुझे खाने का मन नहीं करता, बट क्या करूँ,
खाना पड़ता है। तो यहाँ भुजिया बनके तैयार हो गई है, तो चलिए अब रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी और मेरी छोटी बेटी बैठ के मेरी रिकॉर्डिंग की मम्मा मेरी गांव में कैसे रोटी बनाती है। तो आज सुबह से ही ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर हो गया मेरा सुबह का रूटीन ही, देख लीजिए किस तरीके से मैं बैठ के यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और नीचे बैठ के बनता है ना। तो इससे एक चीज़ सबसे अच्छी इसमें है, क्या है आप लोग भी केयर करिएगा, इस तरीके से बैठ के बनाने से ना पेट अंदर चला जाता तो ये अच्छी चीज़ें हैं बैठ के बनाने वाली, क्योंकि बार बार उठना बैठना एक एक्सरसाइज टाइप में हो जाता है। तो स्लैब पे मैं नहीं बनाती हूँ इसलिए कि स्लैब अभी सही नहीं है, ऊँचा भी है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं बनाती हूँ। और अभी प्लास्टर हो जाएगा, किचन वगैरह सब सिस्टम सही करूँगी, उसके बाद धीमे धीमे यहाँ का भी सिस्टम, जब आना नहीं होता ना इसीलिए कुछ नहीं हो पाता, जब हम लोग रहते या कोई भी रहता तो सारा सिस्टम सही हो जाता, बट कोई नहीं रहता है। अब कोई सिम कौन रहेगा, मम्मी पापा तो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, तो कौन रहेगा, किसके भरोसे कोई, इसीलिए नहीं रहते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। बाकी और नहीं, अगर दो देवानियाँ जेठानियाँ रहती तो हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा किचन, मैं आप लोग को आज किचन का नज़ारा दिखा रही हूँ, हो सकता हो कुछ दिन बाद इस किचन के नज़ारे बदल जाएं, इसलिए मैं सोची चलो रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, पूरा दिखा देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए मेरा गाँव का किचन कैसा है और कैसे बना है। वहाँ का किचन तो आप लोग मेरे ब्लॉग से देखते ही हैं कैसा है। तो ये फिर पूरा किचन ऐसे, अभी किचन प्लास्टर नहीं हुआ है, अभी उधर का ही साइड हो रहा, अब एक दिन सारे यहाँ का सारा सामान, वो लोग कहते हैं ना बोरिया बिस्तर लेके हटना पड़ेगा, तो यहाँ से विदाई करनी पड़ेगी क्योंकि दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, जब प्लास्टर होगा सारा सिस्टम और आंगन भी फर्श भी वो होगा, फर्श बनेगा तो अंदर आना नहीं होगा, इसलिए हम लोग को पूरा बोरिया बिस्तर लेके अंदर रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो बोरिया भी इसका लेके हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो होगा प्लास्टर, इसीलिए मैंने पुराना चीज़ें भी रिकॉर्ड कर ली कि आपको नहीं हो पाएगा किचन का पुराना लुक शेयर कर दें। ये है मेरी ड्रेसिंग मेरी शादी का, तो आप लोग को पूरा लुक दिखा रही हूँ कि क्या इसकी हालत हो गई है। आज ये 15-16 साल पहले की ये चीज़ें हैं और इस तरीके से यहाँ पड़ी है। पीछे आपको बक्सा दिखाई दे रहा है ना, ये रूम एंट्री, यहाँ से सब सामान रखा हुआ है क्योंकि प्लास्टर हो। तो गाइस इस समय मैं बैठी हूँ बाहर रूम में और आप लोग से बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज कमरे घर में अंदर जो रूम है मेरा, ये तो गेस्ट रूम है जो मैं बताती हूँ बाहर का, तो वहाँ पे मैं बैठी हूँ और आज पूरा दिन यहीं पे बीत रहा है क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है, तो मैं सिर्फ वो क्या झाड़ वूड कर देना दीवार का, तो वहाँ पे सारे ढेर सारे कूड़े करकट सब उड़ रहे हैं जिसके कारण वहाँ पे नहीं हूँ। नहीं तो आज सोची थी मैं आप लोग के साथ वो ब्लॉग शेयर करती जहाँ पे सारे काम हो रहे थे चल रहे थे वो सब चीज़ें, लेकिन बट आज घर में रहने लायक ही नहीं छोड़े। गाइस शाम को जब मैं वीडियो उसमें 3:30 बजा था और बना रही थी तो आप लोग से बातें कर रही थी, बट उस समय कारण क्या था कि बाहर ही गेस्ट रूम में थे, कुछ लोग आ गए, तो फिर मैं बंद कर दी वीडियो बनाना क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं गांव में क्या है स्थिति। तो बट चलिए कोई बात नहीं, मैं ये जानती हूँ मैं एक काम अपना कर रही हूँ, ये मेरा काम है और इसमें किसी से कुछ ऐसा नहीं सोचना, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई किसको कौन अच्छा लगता है कौन नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। शायद मेरी काम किसी को भी ना पसंद आता हो, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता हो, लेकिन हम सबके हिसाब से हर चीज़ें नहीं चल सकते, क्योंकि कुछ लोग भी हैं जो मेरी अकॉर्डिंग फिर से नहीं चलते, तो इसलिए मैं मानती हूँ सब, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो समय करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक अपना काम जो रूटीन होता है तरीका करने वाला उसे करना चाहिए अपने तरीके से, गलत ना हो बस सही हो, सही तरीके से करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो चलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा हो जाएगा, फिर आपको कहेंगे इतना लंबा वीडियो, मैंने आज गांव की पूरी चीज़ें दिखाई, कल रात को मैंने बाहर गई थी तो दिखाई थी आप लोग को लुक, आप लोग देखे ही होंगे बाहर के सड़क से रोड से नज़ारा, बस थोड़ा सा हो पाया था क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, अंधेरा अंधेरा था तो मैंने थोड़ा सा बस कर दी थी, तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलिए अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।